सॉल्व द इक्वेशन 8 sin 6x प्लस 3 cos 2x प्लस 2 cos 4x प्लस 1 = 0। ठीक है, देखो यहाँ पे x है, यहाँ 2x है, यहाँ 4x है, सब अलग अलग एंगल है। इसको अगर सेम एंगल में हम लाने की कोशिश करते हैं तो देखो 2 sin² x का वैल्यू क्या होता है, 2 sin² x का वैल्यू होता है 1 cos 2x होता है ना। और यहाँ पे 8 sin 6x है तो इसको हम 2 sin² x का पावर में 3 लिख सकते हैं ना। ठीक है, प्लस और ये 3 cos 2x हो जाएगा, जितना लिखा हो रहने देंगे 2 into। अच्छा cos 4x है ना, cos 4x को 2 cos² 2x माइनस 1 लिखा जाता है, प्लस 1 = 0। अब इसके प्लेस पे लिख देंगे 1 cos 2x का होल क्यूब, ठीक है यहाँ तक, और प्लस 3 cos 2x प्लस ये हो जाएगा 4 cos² 2x माइनस 2 प्लस 1 = 0 होगा। देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसको इसको एक्सपेंड कर देंगे a माइनस बी का होल क्यूब से, इसको एक्सपेंड करेंगे तो a माइनस बी का होल क्यूब मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो माइनस ऑफ cos क्यूब 2x हो जाएगा, और माइनस 3a² b, तो माइनस 3a² मतलब 1 का स्क्वायर, और ये होगा cos 2x, और प्लस 3ab² तो प्लस 3 cos² 2x होगा, और प्लस यहाँ पे 3 cos of 2x और प्लस 4 cos² 2x और माइनस 2 + 1 माइनस 1 होगा = 0। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्यूबिक कहाँ का, यहाँ पे क्यूबिक है तो माइनस cos क्यूब 2x होगा। अब देखो cos स्क्वायर है यहाँ पे है और यहाँ पे है, मतलब 4 + 3 तो ये होगा 7 cos² 2x, ये माइनस 3 cos 2x प्लस 3 cos 2x कट जाएगा, प्लस 1 और माइनस 1 भी कट जाएगा। ठीक है, तो = 0 बचा। अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं cos² 2x, जब cos² 2x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 7 - cos 2x = 0। ठीक है, दो फैक्टर बन गया, दो फैक्टर 0 है, तो यहाँ से लिखेंगे कि आइदर cos² 2x = 0 और 7 - cos 2x = 0। तो ये देखो 7 - cos 2x = 0 है, तो cos 2x का वैल्यू 7 आ जाएगा, जिससे कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि cos 2x का वैल्यू -1 से 1 तक ही होगा, लेकिन यहाँ पे cos² 2x का वैल्यू 0 है, तब 2x का जो वैल्यू होगा, 2x का वैल्यू वो क्या होगा, cos 0 कहाँ पे होता है, cos 0 होता है ये देखो, एक यहाँ पे π/2, एक -π/2, मतलब 2nπ + -π/2, तो यहाँ लिखेंगे 2nπ + -π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, और अगर यहाँ से x का वैल्यू लिखेंगे तो ये होगा nπ + -π/4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो यही इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। तो देखो जो इक्वेशन था उसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई किए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, इसके बाद यहाँ से दो फैक्टर बन गया और ये सॉल्व हो गया। ओके,